खास तौर पे याद रखें, यहाँ पे अक्सर स्ट्रॉबेरी जोन हैं वो नीचे गिरी हुई हैं, तो कभी कभी आपको बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी मिलेगी। मुझे लगा ये बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी है, लेकिन ये तो हम वापस रख देते हैं। वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। आज का जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा सा एडवेंचर वाला और फन वाला व्लॉग है। तो हम लोग आज आए हुए हैं स्ट्रॉबेरी की फील्ड्स में और हम खुद स्ट्रॉबेरी जोन से पिक करेंगे। तो जो लोग जर्मनी में रहते हैं वो लोग अपनी फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ आके ये एक्टिविटी लाजमी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो अब हम आपको दिखाते हैं जर्मनी में हम लोग फील्ड में से कैसे खुद स्ट्रॉबेरी जोन से वो पिक कर सकते हैं। चले चले मेरे साथ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो हम लोग घर से जौन सा एक बाउल लाना भूल गए थे, तो मैं आप लोगों को रेफ़र करूंगा कि बाउल लाजमी साथ लेके आए, नहीं तो वैसे तो नॉर्मली जौन सा मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी उसमें ये था कि इधर से आप इनके पास गत्ते के या प्लास्टिक के डब्बे होते हैं वो आप ख़रीद सकते हो और उसमें आप एडवियर जौन सियाँ वो डाल सकते हो, स्ट्रॉबेरी जौन सियाँ वो डाल सकते हो। लेकिन वो जौन सियाँ इनके पास ख़त्म हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा रश था वीकेंड पर। तो अब वो कह रहे थे कि आप लोग अपनी गाड़ी में से कोई शॉपर वगैरह या कुछ ले आएँ, उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो इन केस हमारे पास सिर्फ गाड़ी में ये छोटा सा एक शॉपर पड़ा हुआ था, तो हम वो शॉपर हम गाड़ी से लेके आए हैं। अब जो उनकी स्ट्रॉबेरी है वो हम, या फिर इनसे एक डब्बा ऑलरेडी इनके पास है लेकिन उसके अंदर स्ट्रॉबेरी फुल है, वो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन अब इस व्लॉग के लिए मुझे वो लेना पड़ेगा और उसकी सारी स्ट्रॉबेरी जौन सा वो मैं इस लफाफे में डालूंगा और मुझे जौन सा वो डब्बा मिल जाएगा, उस डब्बे के अंदर हम जौन सी स्ट्रॉबेरी जौन सी हैं वो उतार के, क्या नाम है, आप लोगों को दिखाते हैं कि वो कैसी उतारी जाती हैं। चलें चलते हैं अंदर। सो व्यूअर्स, वी हैव वन हियर Pressler bei uns und er will uns Bescheid geben, also wie das hier, weil ich war noch nie hier gewesen. Ich weiß nicht, wie das hier ist, ob das Preisunterschied macht, ob das Spaß macht. Aber Herr Pressler, der kommt so oft hier und er will uns Bescheid geben, also wie die Erfahrung ist. Ist natürlich preislich wesentlich günstiger als im Laden. Zweitens, die Frische bekommt man nicht im Laden hier. Genau. Vom Feld ist das ja ganz toll. Und zum Dritten, ja, bei dem schönen Wetter macht das auch Spaß. Ja, genau. Ist doch herrlich. Man wird braun dabei. Ja, ja. Genau, wenn man, und es geht ruckzuck. Ja, genau. Wenn man Kinder hat oder natürlich, Familie, dann ist es noch Spaß. Mehr Spaß. Richtig. Herr Pressler, ich wünsche Ihnen Enkelkinder. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihren Eltern. Danke. Schönen Tag noch. Vielen Dank. Tschüss. Viewers. मैं खेतों में आया हूँ, जर्मनी के खेतों में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे जो लोग थे बहुत अच्छे लोग थे। तो ये जो उनसे खेत हैं ये कासल से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है कालडन। यहाँ पे जो उनसे एयरपोर्ट भी है जर्मनी का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, नेशनल फ़्लाइट ज़्यादा जाती हैं, इंटरनेशनल थोड़ी सी फ़्लाइट जाती हैं। तो इधर हम आए थे, इधर के लोग बहुत अच्छे थे। अभी मैंने एक बंदे का इंटरव्यू लिया, उसने थोड़ी सी मुझे इंफॉर्मेशन दी है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब हम जौन से हैं वो स्ट्रॉबेरी जौन से हैं वो स्टार्ट करते हैं उतारना और आपको दिखाते हैं कि ये फीलिंग कैसी है। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये कर रहा हूँ। सिर्फ ध्यान रखें, ये जो सी स्ट्रॉबेरी है कभी आपके पाँव के नीचे भी आ सकती है, बहुत सी हर जगह स्ट्रॉबेरी फैली हुई है। तो जो रिस्क है उसकी कदर करें और अपने पाँव के नीचे ला के स्ट्रॉबेरी को ख़राब ना करें,
ये मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी और लाजमी इधर आए, बहुत फन है इधर। याद रखें यहाँ पे अक्सर स्ट्रॉबेरी जो हैं वो नीचे गिरी हुई हैं, तो कभी कभी आपको बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी मिलेगी। मुझे लगा ये बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी है, लेकिन ये तो किसी ने खाई हुई है, इसको हम वापस रख देते हैं। लेकिन ये देखें क्या बात है इस स्ट्रॉबेरी की। तो ये वाली जगह बहुत अच्छी है, आप किसी अच्छी जगह में जब जाते हैं आँखें आपकी अच्छी होनी चाहिए तो स्ट्रॉबेरी जो आपको मिलना मुश्किल नहीं है। ये देखें क्या बात है, और ये स्ट्रॉबेरी जो हम चेक करते हैं, मजा आ गया, बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी है। आप लोग अपनी फैमिली के साथ आके यहाँ पे मुकाबला भी कर सकते हैं कि कौन सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी जो है यहाँ से ढूंढेगा। मैंने अपनी फैमिली के साथ मुकाबला किया और अभी तक जो सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी ढूंढी है वो मैंने ढूंढी है, तो ये है वो स्ट्रॉबेरी। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा फन है, इधर आए आप और एंजॉय करें। Ja. 16,30 Euro bitte. So, ist gut so. Dankeschön. So, bitteschön. Ja. So, dann viel Vergnügen. Viewers, हम लोगों को तो इधर बहुत मजा आया, हम लोगों ने बहुत फन किया। अगर आप यहाँ पे आएँ तो बाउल लाजमी लेके आएँ साथ, क्योंकि हम लोगों के पास कोई बाउल नहीं था, हमने समझा कि हमें इधर वो टोकरी मिलेगी। एक छोटी सी टोकरी मिली है, शुक्र है कि उस आंटी ने हमें टोकरी दे दी है, लेकिन शॉपर्स के अंदर डाल के आप स्ट्रॉबेरी जो थी वो सारी ख़राब करेंगे, और आप जितनी ज़्यादा स्ट्रॉबेरी लेंगे उतनी सस्ती आपको यहाँ से मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।